वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे करंट अफेयर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम यहाँ पे 23 नवंबर 2017 के एमसीक्यू देखने के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं आज के एमसीक्यू। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। तो देखिए, अभी तक यहाँ पे 14 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। और यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री 15वें वित्त आयोग का गठन करने के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी है। और आपसे इसके अंदर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको लागू किया जाता है। तो ये आता है 281 कह दो, या फिर ए या फिर कै के अंदर आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख लेंगे कि ये किस तरह से इसके अंदर आता है। और जो 14 वित्त आयोग था, ये कब लागू हो गया था? ये यहाँ पे 1 अप्रैल 2015 से इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसके जो गठन था वो कब किया गया था? इसका गठन किया गया था यहाँ पे 2 जनवरी 2013 को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो अभी देखा हमने वो किसके अंदर था, वो था यहाँ पे 280 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक शैक्षिक मोबाइल एप्लीकेशन दिसारी की शुरुआत की है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मुफ्त अध्ययन सामग्री प्रदान करेगी? देखिए दोस्तों, अब जो यहाँ पे जो टाइम है वो यहाँ पे डिजिटल है सब कुछ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो पीएम है वो हमारे देश को क्या बनाना चाहते हैं? डिजिटल इंडिया। तो देखिए, यहाँ पे जो राजस्थान की सरकार है, उन्होंने यहाँ पे जो भी प्रेपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनके लिए यहाँ पे एक सुअवसर लेके आए हैं कि वो यहाँ पे अब जो तैयारी है अपनी, वो यहाँ पे एक ऐप के माध्यम से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो यहाँ पे किस स्टेट ने, कौन स्टेट लेके आया है? तो वो यहाँ पे लेके आया है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन लेके आया है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है दिसारी। और इसके माध्यम से हमें क्या है, जैसे हमें अपने प्ले स्टोर के अंदर जा कर के ये एक ऐप डाउनलोड करनी होगी, और इसके हमें यहाँ पे सभी प्रकार के, जैसे कि करंट अफेयर हो गया, या फिर मैथमेटिक्स हो गया, या फिर जीके हो गई, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड, या फिर रीजनिंग से रिलेटेड, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे हमारे लिए उपलब्ध होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसने नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल बायोमेटेरियल केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो यहाँ पे किया है अनुप्रिया पटेल ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, जिनका नाम है श्रीमती अनुप्रिया पटेल। इन्होंने यहाँ पे आज के दिन नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल बायोमेटेरियल केंद्र, यानी कि एक नेशनल टिश्यू बैंक का यहाँ पे उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो, जैसे ही टिश्यू पेपर की जो मांग बढ़ रही है, हमने पीछे हाल ही में देखा था कि वहाँ पे स्कूलों के अंदर जो छात्राएं हैं उनको ये फ्री में बांटने के लिए बात कर रहे थे, तो इसलिए इसकी अब डिमांड बढ़ी है, तो उसको पूरा करने के लिए ये यहाँ पे एक नेशनल टिश्यू बैंक का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, देश की आर्थिक आवश्यकताओं के लिए के साथ समन्वय में 50 वर्ष की भी पुराने आयकर कानून का पुनः प्रारूप करने के लिए गठित टास्क फोर्स का आयोजन कौन होंगे? तो वो होंगे यहाँ पे अरविंद मोदी। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे जो देश की जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनके साथ में ही ये जो कानून था ये कम से कम भी 50 साल पुराना था। ठीक है दोस्तों, और अब उसको बदलने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि ये जो हमारा कानून है लगभग 1961 के अंदर बन के तैयार हुआ था, और तब से अब तक यहाँ पे 50 साल हो गए इसको लागू किए हुए। ठीक है दोस्तों, तो इसको यहाँ पे प्रारूप करना ज़रूरी है, इसके अंदर थोड़ा सा अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य जो आर्थिक सलाहकार है यहाँ पे, वो होंगे यहाँ पे अरविंद सुब्रमण्यम। और इसके साथ ही जो टास्क फोर्स में एक जो और स्थायी विशेष आमंत्रित जो रहेंगे, वो इस स्टाफ के सदस्य रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए,
निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत और रूस में $400 मिलियन के ऋण के साथ दो बुनियादी ढांचा और टिकाऊ विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो वो यहाँ पे दी है NDB बैंक ने। ठीक है दोस्तों, जो संघाई के अंदर स्थित एक ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है NDB, इन्होंने यहाँ पे भारत और रूस के जो संबंध है उसके अंदर यहाँ पे $400 मिलियन के एक ऋण के साथ दो बुनियादी ढांचा जैसे कि टिकाऊ विकास परियोजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ठोस राज्य इंटरलॉकिंग प्रणाली स्थापित की है? तो वो यहाँ पे की है खड़गपुर पश्चिम बंगाल के अंदर। देखिए अभी ये होता क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, हाल ही में बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं जैसे कि हमने ट्रेनों के अंदर देखा, ठीक है, तो वो किस वजह से सिग्नल नहीं मिल पाता है कि आगे यहाँ पे ट्रेन है या नहीं है, उस वजह से हमें सिग्नल नहीं मिल पाता है। लेकिन अब ये यहाँ पे क्या काम करेगा, जो इंटरलॉकिंग प्रणाली लेके आ रहे हैं, ये सहायता करेगा और ये बताएगा कि यहाँ पे कि दूसरे ट्रैक के ऊपर यहाँ पे ट्रेन सामने से आ रही है नहीं आ रही है, या फिर उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, या फिर कोई कुछ भी तरह की यहाँ पे जो लाइन है हमारी उसके अंदर कोई दिक्कत है, तो ये यहाँ पे सिग्नल दे देगा जो भी यहाँ पे जो वर्कशॉप के अंदर काम करने वाले हैं उनको। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से जो दुर्घटनाएं हो रही है उनसे बचा जा सकेगा, ठीक है, और ये एक स्मार्ट वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली जाएगी, तो ये किसके द्वारा ली जाएगी? देखिए दोस्तों, हमने अभी हाल ही में देखा था कि वहाँ पे जिम्बाब्वे के अंदर जो वहाँ के राष्ट्रपति थे मुगाम्बे, ठीक है, वो क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे यहाँ पे, हमने बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि वो 93 ईयर की है और उनकी जो वाइफ है वो 52 ईयर की है, ठीक है, तो वो चाह रहे थे यहाँ पे कि जो उनकी वाइफ है वो यहाँ पे इस सत्ता को संभाल ले ताकि यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाए, ठीक है, एक अनार्की सिस्टम वो यहाँ पे लेके आना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ की जो आर्मी है उन्होंने यहाँ पे ऐसा नहीं होने दिया, उन्होंने यहाँ पे बंदी बना लिया था मुगाम्बे को और उनको इस्तीफा देने के लिए विवश कर दिया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दिया और उसके बाद अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बनाए जा रहे हैं वो बनाए जा रहे हैं यहाँ के एमरसन मनगागावा, जो कि यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है दोस्तों, इनको यहाँ पे 24 नवंबर 2017 को जिम्बाब्वे के एक राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे शपथ ली गई उनके द्वारा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन में 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो वो यहाँ पे किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 नवंबर 2017 को, और ये कहाँ पे हुआ है, ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, किस राज्य ने सबसे पहले उत्तर पूर्व विकास शिखर सम्मेलन 2017 की मेजबानी की थी? तो वो यहाँ पे की थी मणिपुर ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो पहली बार पूर्वोत्तर विकास शिखर सम्मेलन यानी कि 2017 का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है, वो यहाँ पे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इम्फाल के मणिपुर के अंदर किया गया है। और ये कब किया गया है, ये आयोजन कब तक था, ये था 21 से 22 नवंबर के बीच में। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर अगर और बात देखी जाए तो यहाँ पे जो संयुक्त रूप से मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा इसको आयोजित किया गया था, और इसके अंदर जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय है और भारत फाउंडेशन, इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक क्षमता को प्रदर्शित करना था। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, रावा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वो है यहाँ पे त्रिपुरा के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये जो रावा वन्यजीव अभयारण्य है वो त्रिपुरा के अंदर स्थित है, और अगर इसके एरिया की हम बात करें तो ये है 0.6 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और इस अभयारण्य के अंदर कम से कम भी 150 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है, तो कौन बन गया है यहाँ पे, शुभांगी स्वरूप, ये यहाँ पे पहली
पायलट बन गई है, महिला पायलट बनी है जो कि नौसेना के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर इनके बाद हम बात करें तो नई दिल्ली के अंदर ये आस्था सैगल, ठीक है, नई दिल्ली से है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो केरल के यहाँ पे पुदुचेरी के अंदर है रूपा ए। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो माया एस ने भी नौसेना के नेवल आर्मीमेंट इंस्पेक्शन के अंदर इस शाखा देश की पहली महिला अधिकारी बनने का इतिहास रचा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मल्टी स्टेट मेगा मुफ्त सुनामी अभ्यास 2017 का आयोजन करेगा, तो वो यहाँ पे करेगा गृह मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए इसके अंदर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और महासागर सूचनाएं सेवाओं के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय केंद्र के माध्यम से गृह मंत्रालय 24 नवंबर 2017 को सुनामी की तैयारी के अंदर जुट रहा है। और इसके साथ एक साथ पूरे चार राज्य पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और देश के पूरे देश के साथ जैसे कि पूर्वी तट के साथ जो केंद्रीय राज्य है पुदुचेरी और 31 तटीय जिलों में ये एक साथ आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद इसको शेयर भी कर दीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसके अंदर कुछ भी चेंज करवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं कि हमारी वीडियो के अंदर कुछ भी हमें बदलाव लेके आना है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।